दोस्तों पूजा तो हो गया है, देखिए हम लोग प्रसादी खा रहे हैं अभी 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 हम लोग अभी थोड़ा नाश्ता जैसे कर रहे हैं, मतलब प्रसादी खा रहे हैं। सुबह से कुछ नहीं खाए थे, पूजा के बाद से खाया जाता है। और ये देखिए सबको मिल बांट के हम लोग खा रहे हैं। लीजिए दोस्तों प्रसादी, लीजिए आप लोग भी खा लीजिए, हाथी खेता का प्रसादी है। ले हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मिस्टर वसुदेव और हम लोग जा रहे हैं ये हाथीखेदा, वो पूजा करने जा रहे हैं और ऐसे घूमने भी जा रहे हैं। और हमारे दोस्त लोग देखिए, वो लोग भी साथ में है, अलग गाड़ी में जा रहे हैं हम लोग, देखिए ये दा। और अभी एक दोस्त आना बाकी है, वो रास्ते में है, उसी का इंतज़ार कर रहे हैं और वो आते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएँगे और जाते जाते आगे का नज़ारा भी दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी रखते हैं इतना ही। दोस्तों हम लोग बोड़ाम घाटी तक पहुंच चुके हैं और बोड़ाम घाटी पार कर चुके हैं। और ये देखिए दोस्तों, चारों साइड देखिए जंगली जंगल नज़र आएगा। और देखिए, और ये रास्ता है, यही रास्ता से हम लोग जा रहे हैं। और चलिए दोस्तों मंदिर पहुंच के फिर मंदिर का नज़ारा दिखाते हैं, वहाँ क्या क्या होता है वो सब के बारे में फिर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग हाथीखेदा मंदिर पहुंच गए हैं। और ये देखिए कितना आदमी आया हुआ है, देखिए गाड़ी गाड़ी नज़र आएगा। और मंदिर देखिए उस साइड में है, देखिए यहाँ से दिख रहा होगा वो, देखिए मंदिर। और हम लोग यहाँ जूता चप्पल खोल रहे हैं, गाड़ी में रख रहे हैं और यहाँ से खाली पैर जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हम लोग वहाँ जाके थोड़ा पूजा वूजा करेंगे। और पूजा करने के बाद हम लोग इधर फिर थोड़ा सा घूमेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों सामने जाके दिखाते हैं। दोस्तों हम लोग मंदिर की ओर जा रहे हैं, ये देखिए ये हमारे दोस्त हैं और बाकी तीन दोस्त देखिए वो आगे हैं, देखिए बैग लेके जा रहा है। यहाँ थोड़ा सा हम लोग पूजा का सामान ले लेते हैं, तो पूजा वूजा कर लेंगे। चलिए मंदिर के सामने चलते हैं। दोस्तों हम लोग मंदिर का गेट खोल चुके हैं, अभी इसी गेट से जाएंगे अंदर। दोस्तों हम लोग अंदर घुस चुके हैं, ये देखिए मंदिर का गेट है और आगे रास्ता बना हुआ है। देखिए ये हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं, इधर देखिए रास्ता। और चलिए सामने जाके दिखाते हैं मंदिर का नज़ारा। हमारे जो हाथीखेदा बाबा है, जो यहाँ हर कोई अपना मन्नत पूरा करने आता है। दोस्तों हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर थोड़ा हाथ पैर धो लेंगे, यहाँ पर पानी है। और उसके बाद मंदिर के अंदर जाएंगे और थोड़ा पूजा करेंगे। चलिए अंदर, पूजा का सामान ले लिए हैं और यहाँ पूजा सामान मिलता है। अभी मंदिर जाएंगे, पूजा कर लेंगे। यही हाथीखेदा ठाकुर है हमारे, ये मंदिर है, यहाँ पर सबको पूजा किया जाता है और हर कमना यहाँ पर जो भी इच्छा से अपना सच्चे मन से मंगता है वो यहाँ पूरा हो जाता है। हेलो, दोस्तों हम लोग का पूजा हो गया है और देखिए सीढ़ी बना हुआ है और यहाँ पर देखिए सबको मन से क्या हुआ है, जब मन से पूरा हो जाता है तब एक घाट समय से एक सुनहरेल खोल देता है। दोस्तों यही है मंदिर, हाथीखेदा मंदिर, देखिए सब कोई मानसिक क्या हुआ है, जितना भी मानसिक क्या है सबका यहाँ नारियल टंगा हुआ है और जब इसका मन्नत पूर्ण हो जाएगा तो एक नारियल यहाँ से खोल दिया जाएगा। और ये देखिए चारों साइड देखिए यहाँ आपका नारियल लटका हुआ दिखेगा, देखिए दोस्तों देखिए चारों साइड
यहाँ आगे भी है, वहाँ भी दिखाएंगे उधर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ सब नरेले नज़र आएगा, देखिए चारों साइड बहुत सारा है। देखिए उधर उधर आगे भी है, उधर देखिए उधर भी है। और हम लोग का जो अधिकरा मंदिर है वो ऊपर में है, वहाँ पर हम लोग चढ़े थे, वहाँ पूजा वूजा कर लिए। और देखिए कितने सारे लोग आए हुए हैं दोस्तों। हम लोग का तो पूजा हो गया है और देखिए सब कोई खड़े हैं यहाँ पर। और हमारे दोस्त देखिए भाग रहे हैं, वो वीडियो से बहुत डरता है, वीडियो से नहीं बना वीडियो बनाने से डरता है। हमारे दोस्त कराने वाले, अरे ये हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, हमारे साथ ही काम करते हैं। और ये भी काम करते हैं हमारे दोस्त, ये देखिए वो भाग रहे थे। देखिए सब कोई यहाँ पर, देखिए कितने सब कोई आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं सब कोई, फिर पहचान बना रहे हैं। सुंदर जगह है, बड़ा जगह बड़ा सुंदर है ना। देखिए दोस्तों यहाँ नारियल का गेट बना हुआ है, नारियल का गेट बना हुआ। चलिए चलो पार होना, चलिए चलिए अंदर, चलिए चलिए भाई साहब आप आ जाइए, इसे झुक के पार होना पड़ेगा। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर स्विमिंग पूल है, यहाँ पर नहाने का व्यवस्था है। देखिए हमारे श्रद्धालु लोग यहाँ पर नहाता है। और देखिए ये स्विमिंग पूल है यहाँ का, हाँ इसे टाइप बना हुआ है। देखिए इतना, ये देखिए स्विमिंग पूल का साइड में रोड जैसा बना हुआ है। और इधर दिखाएंगे तो देखिए इधर खेती नज़र आएगा, और मंदिर की ओर तरफ दिखाएंगे तो देखिए इतना सा वो बिल्डिंग सब बना हुआ है, वो सब मंदिर का एरिया है। ये सब देखिए, ये सब अंदर में मंदिर है दोस्तों। पूजा तो हो गया है, देखिए हम लोग प्रसादी खा रहे हैं अभी 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 हम लोग अभी थोड़ा नाश्ता जैसे कर रहे हैं, मतलब प्रसादी खा रहे हैं, सुबह से कुछ नहीं खाए थे, पूजा के बाद से खाया जाता है। और ये देखिए सबको मिल बांट के हम लोग खा रहे हैं। लीजिए दोस्तों प्रसादी लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए, हाथी खेता का प्रसादी है। ले दोस्तों पूजा हो गया है, अभी हम लोग मेन गेट की ओर जा रहे हैं, उधर से निकलेंगे और नाश्ता वगैरह जो भी करना है कर लेंगे। प्रसादी तो हम लोग खा रहे हैं। उधर देखिए सब कोई सेल्फी ले रहा है, देखिए अपने परिवार के साथ। उधर दोस्तों यहाँ से हम लोग बाहर निकल रहे हैं, देखिए ये बड़ा सा गेट है, ये ब्रिज टाइप का है, ऊपर में उसमें सीढ़ी बना हुआ है। देखिए और यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, ये सेल्फी पॉइंट है बोलेंगे इसको। देखिए सब कोई फोटो खिंचवा रहा है, देखिए ये सेल्फी पॉइंट है, सब यहाँ खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा है। दोस्तों ये जो भेड़ा देख रहे हैं, जिसका मन्नत पूरा हो गया है, जो मानसिक क्या होता है वो अब। दोस्तों हम लोग मंदिर से बाहर की ओर जा रहे हैं, अभी सब हो गया है, हम लोग का पूजा वूजा हो गया है, अभी यहाँ से बाहर निकल रहे हैं हम लोग। ये देखिए दोस्तों भेड़ा लेके जा रहे हैं सबको, जिसका जिसका मन्नत था वो भेड़ा लेके जा रहे हैं और वहाँ पर पूजा कराएंगे। और ये बाहर की ओर जा रहे हैं, ये मेन गेट है, और मेन गेट होता है यहाँ से सब कुछ बाहर निकलते हैं। और बाहर तरफ दुकान वगैरह लगा हुआ है, वहाँ पर सब कुछ मिलता है वहाँ पे। दोस्तों हम लोग मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, ये बाहर का नज़ारा है, देखिए
और बगल में देखिए दुकान वगैरह लगा हुआ है, होटल है, सब चीज़ का दुकान यहाँ पे है। देखिए ये सारा चीज़ दुकान लगा हुआ है। और ये मेन गेट का बाहर का नज़ारा है, देहाती के दवा का मेन गेट का बाहर का नज़ारा है। और ये देखिए वो ऊपर सेल्फी ले फोटो खिंचवा रहे हैं हम मेरा दोस्त लोग। देखिए ये मेन गेट है, आज तो उतना भीड़ नहीं है लेकिन संडे को ज़्यादा भीड़ होता है क्योंकि संडे को सबका छुट्टी रहता है। और हम लोग का थोड़ा आने में लेट हो गया है इसलिए थोड़ा कम भीड़ नज़र आ रहा है। अगर थोड़ा हम लोग जल्दी आ जाते तो हम लोग को पहुँचते हम लोग का कितने 11 बज गया है, कम से कम हम लोग को 8-9 बजे तक पहुँच जाना चाहिए था लेकिन हम लोग नहीं पहुंच पाए, घरे में उतना लेट हो गया है। और ये देखिए होटल सब है, और जैसे कि सब होटल है। और ये देखिए यहाँ पर क्या क्या है देख लीजिए, सब खिलौना है सब, बगल में तो आइसक्रीम मिलता है। ये देखिए ये सब ढोल उल सब मिलता है यहाँ पर, ये लोहा का सामान है। और यहाँ पर अपना अपना रोजगार के लिए यहाँ बैठा हुआ है। देखिए होटल इतना बड़ा खास सा होटल है, अरे रास्ता भी है, ट्रैक्टर सब पार होता है यहाँ से। और हम लोग इधर जा रहे हैं क्योंकि हम लोग की गाड़ी वहाँ पर खड़ा किए हैं। देखिए खुले सब कोई सामान देख रहा है क्या क्या सामान लेना है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो क्या बोलते हैं भेड़ा है इधर बनाया जाता है, भेड़ा का जो बलि चढ़ता है वहाँ पर बलि चढ़ने के बाद यहाँ इधर लाया जाता है। और यहाँ बनाने वाला बहुत कोई होता है। और इधर देखिए सब्जी वगैरह अभी निकाला हुआ है, देखिए गोभी है, खीरा है, टमाटर भी है, सब कुछ है यहाँ पर देखिए। और इतना सारा लोग आए हुए हैं, देखिए इतना सारा गाड़ी है यहाँ पर। ये हम लोग की गाड़ी है, गाड़ी के पास पहुँच गए हैं हम लोग। देखिए सब कोई जूता निकालेंगे यहाँ पर, खाली पैर है सब कोई। देखिए हम भी हैं, मेरे पैर तो नहीं दिख रहा है। जूता सब खोल के यहाँ रखे हैं, अभी जूता पहनेंगे फिर थोड़ा और हम लोग घूम लेंगे, कहाँ कहाँ क्या है वो सब देखेंगे फिर। ये देखिए दोस्तों ये भेड़ा है और ये पूजा करके लाया है, इसका पूजा हो गया है, बलि भी चढ़ गया है। और जो मन्नत जिसका पूरा है वो मंदिर में बलि दे दिया और उसका ये शरीर यहाँ पर टंगा हुआ है। और ये वो लोग बेच देते हैं या वो लोग साथ में आते हैं कुछ लोग और साथ में बना के खा जाते हैं। देखिए देखिए तालाब जैसा है छोटा सा और यहाँ पर वही सब नज़र आएगा। देखिए ये देखिए भेड़िया का देखिए सब बाल नज़र आएगा। और यहाँ पर मीट कटिंग हो रहा है, पूरा बाल ही बाल नज़र आएगा। देखिए यहाँ पर सब कटिंग करने वाला सभी है यहाँ पर। यहाँ से देखिए यहाँ तक यहाँ से पूरा कटिंग करने वाला ही है दोस्तों। यहाँ सबसे सुविधा यही है कि जो बाली देता है उसको यहाँ पूरा मेहनत तो नहीं करना पड़ता है, यहाँ बनाने वाला बहुत कोई होता है। और ये सब देखिए यही लोग बना के सारा चीज़ का देख के दे रहे हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पर मीट बनवा रहे हैं और ले लिए हैं 2 kg और यहाँ पर बनवा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर खा के जाएंगे यहाँ पर। जितना भी झोपड़े दिख रहा है यहाँ पर ये सब देखिए
यहाँ पर आप लोग मीट बना सकते हैं ये झोपड़ी में। यहाँ पर खाली मीट चावल ये सब बनता है यहाँ पर, और बनाने का चार्ज लेता है ये लोग। आप लोग यहाँ कभी भी आते हैं तो यहाँ पर आप लोग बना सकते हैं, ये देखिए। और हम लोग यहाँ पर बनवा रहे हैं मीट, बनवा रहे हैं मीट बना रहे हैं और खा लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे घर की ओर। दोस्तों अभी हम लोग खाने बैठ गए हैं, देखिए ये मीट बना हुआ है, सलाद है, मूढ़ी है, ये देखिए। दोस्तों हम लोग का खाना पीना हो गया है, अभी हम लोग घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और बीच में कहाँ रुकेंगे तो नहीं पता, लेकिन जहाँ भी रुकेंगे हम लोग वहाँ का वीडियो दिखाएंगे ज़रूर। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ठीक दोस्तों, हम लोग हाथीगढ़ से निकल गए हैं और हम लोग डिमना पहुँचने वाले हैं, और पहाड़ के बीचों बीच हम लोग खड़े हैं। देखिए यहाँ पर ये मेन रोड है, यहाँ पर गाड़ी आना जाना काफ़ी कर रही है। देखिए इधर से भी रोड है, दोनों साइड पहाड़ी पहाड़ है। देखिए अभी यहाँ से निकलेंगे और डिमना जाएंगे, वहाँ पर दिखाएंगे डिमना का नज़ारा। ठीक है दोस्तों हम लोग जंगल के बीचों बीच खड़ा है, ओके हम लोग सेल्फी ले रहे हैं, देखिए थोड़ा मज़ा ले रहे हैं। पर देखिए सब सेल्फी लेने में व्यस्त है। अरे ऐसा नज़ारा फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, इसीलिए जहाँ तहाँ हम लोग गाड़ी खड़ा करके सेल्फी वगैरह जो भी है। दोस्तों अभी यहाँ से निकल रहे हैं और चलिए। दोस्तों हम घर पहुँच गए, आते आते अंधेरा हो गया है और अभी आ रहे हैं हाथीगढ़ से, और रास्ता में थोड़ा लेट हो गया इसलिए अंधेरा हो गया है, और अभी घर पहुंच चुके हैं। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाय।